अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने सभी दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दी, जिसके संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने बताया कि जनपद के सभी दिव्यांगजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिव्यांगजन विभाग दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के भरण पोषण के लिए पेंशन की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत दिव्यांगजन को 1,000 व कुष्ठ रोगियों को 3,000 पेंशन की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कान की मशीन की भी सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए कोई भी दिव्यांगजन विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसके आवेदन की जांच करने के बाद पेंशन की राशि खाते में भेज दी जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने कहा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो कि भारत सरकार द्वारा 2016 में वो किया गया था, इसमें दिव्यांगों के क्या अधिकार हैं, उन लोग के क्या कर्तव्य और अधिकार हैं, पूरे उसके सब बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। तो ये हमारे राज्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा ये इस पुस्तक का वहाँ से मिलती है और ये इसमें इसको लोगों को पढ़ना चाहिए, दिव्यांगों को पढ़ना चाहिए, खासकर अधिकारियों को भी इसको पढ़ना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा जान पाए उसके दिव्यांगों के क्या अधिकार हैं और ताकि उनको मदद की जा सके। अधिनियम या कोई भी शासनादेश वो किया गया है उसमें पूरा राज्य आयुक्त कार्यालय से संपादित किया गया है और ये भी अधिकारियों को पढ़ना चाहिए और इसके बाद थोड़ा सा और उन लोग को पता लगेगा कि क्या कैसे चेंजेस हुए हैं और अब वर्तमान में क्या स्थिति है दिव्यांगों के प्रकार की जो दिव्यांगता है उसके उसके लिए कैसे दिव्यांग का एक दिव्यांग होता है या कैसे उसको दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसमें बहुत विस्तृत रूप में वर्णन है। उदाहरण के तौर पर जैसे बौनापन है तो अभी कोई 4.5 फीट का भी आता है तो वो कहता है मैं बौना का हमें सर्टिफिकेट बनवाना है, पर इसमें साफ साफ इस किताब में मेंशन है कि 4 फीट पे ही पहले 10% का वो होगा, 4 फीट पे ही 40% का वो बनेगा, उसके अगर ऊपर है तो बन नहीं पाएगा। तो ये सब वर्णन इस किताब में है, बहुत ही विस्तृत रूप में है, ये भी सबको जाननी चाहिए या ये थोड़ा सा सीएमओ सर के यहाँ कभी काम को कम करेगा और अगर लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे तो। धन्यवाद जी। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी गोरखपुर, सर्वप्रथम मैं जनपद के सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और जो थीम है इस वर्ष की जो थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो थीम सेलेक्ट की गई है उसके तहत ही विभाग का जो निर्णय है वो हम सशक्तिकरण करेंगे दिव्यांगों के सशक्तिकरण का जो उससे मैच करता है थीम से, तो उसी पे हम लोग विभाग कर्णबद्ध हैं और हम लोग उसी पे काम करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पेंशन की सुविधा दी जा रही है, भरण पोषण योजना है जिसके थ्रू दिव्यांग को 1,000 रुपये और जो कुष्ठ अवस्था है उनको 3,000 रुपये का तिमाही पे दी जाती है। उसके बाद आपका कृत्रिम अंग सहायक उपकरण है जिसके थ्रू आपको ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, आपको कान की मशीन, स्मार्ट केन और MR किट आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। सर जो ऑनलाइन करना है पेंशन किस तरह से किया जाए, बहुत से दिव्यांग ऐसे परेशान रहते हैं गांव तक सूचनाएं नहीं पहुँच पाती हैं, इसके लिए SSPY पोर्टल है विभाग का, जो समाज कल्याण विभाग हो सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत उसकी प्रति ऑनलाइन ही यहाँ कार्यालय में जांची जाती है, उसके सही पाने के बाद उसको फॉरवर्ड किया जाता है, फॉरवर्ड करने के बाद जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति ली जाती है, स्वीकृति के बाद वो डायरेक्टरेट स्तर पर उसको फॉलोअप करने के बाद लाभार्थी के खाते में, अगर सब कुछ सही पाने के बाद लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट उसके खाते में पैसे अंतरित किए जाते हैं हर तिमाही पे।